देवास जिला चिकित्सालय को लेकर प्रशासन लाख दावे कर ले कि व्यवस्थाओं में बहुत सुधार हुआ है, मरीजों को बेहतर इलाज मिल रहा है, लेकिन अगर जमीन हकीकत देखे तो डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मरीजों की मौत हो जाती है और परिजन हंगामा तक कर देते। जिला अस्पताल में मरीजों के बेड तक नहीं मिलता है, डॉक्टर मरीज को बेड की जगह फर्श पर लेटाकर वहीं पर मरीज का इलाज शुरू कर देते। प्रशासन के नंबर वन जिला चिकित्सालय का भगवान ही मालिक है और भर्ती मरीज भी भगवान के भरोसे आते हैं। ताजा मामला जिला चिकित्सालय का सिक्योरिटी गार्ड द्वारा ब्लड के नाम पर 500 रुपये लेने के सामने आया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड को 500 रुपये लेते हुए ब्लड डोनेट करने वाली संस्था के सदस्यों ने रंगे हाथों पकड़ा है और उसकी धुनाई भी कर दिए। दरअसल ग्राम ताजपुरा से भीषण मानकर ने 21 अक्टूबर अपनी पत्नी सुनीता को डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कर किया था। पत्नी को डिलीवरी के दौरान रात में ब्लड की आवश्यकता हुई, तभी भीषण ने जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल से संपर्क किया। उसने संस्था युवा देवा दर्शन का नंबर दे दिया। संस्था लिली फाउंडेशन के फैजान शेख ने सोनकस से एक डोनर को जिला अस्पताल में भिजवाया और ब्लड डोनेट करवा दिया। जब भीषण मानकर ने सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल से ब्लड की बोतल को लेकर संपर्क किया तो उसने 500 रुपये की मांग कर दी। सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल ने कहना था कि उसने संस्था को ऑनलाइन 500 रुपये का भुगतान किया है। भीषण ने तत्काल संस्था के जितेंद्र पटेल को पूरी जानकारी देकर अवगत कराया। संस्था के सदस्यों ने जिला अस्पताल में ब्लड भेजने वाले सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया। संस्था के सदस्यों ने अटेंडर को 500 रुपये दिए, सिक्योरिटी गार्ड को 500 लेते हुए वीडियो भी बना ली। बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड खुद बीमारी के चलते जिला अस्पताल में भर्ती था, उसके बाद भी खून बेचकर रुपये कमाने का लालच नहीं छूट रहा है। इधर वीडियो बन जाने के बाद भी लोगों ने सिक्योरिटी गार्ड की जमकर धुनाई कर दी। इधर सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, सिक्योरिटी गार्ड को पकड़कर कोतवाली थाने लेकर गई और पूछताछ करने के बाद उसे छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मामले में पुलिस जांच कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड सचिन पटेल लंबे समय से मरीजों के अटेंडर से ब्लड के नाम से अब तक 1000 रुपये ले चुका है, लेकिन जिम्मेदारी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए और बेचारा मरीज जिला चिकित्सालय में भी रुपये देकर इलाज करवा रहा है। अब देखना है कि प्रशासन इस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। हमारा और बहुत सारी हमारी टीमें हैं जो सहयोगी टीमें हैं, सभी का काम है रक्तदान करवाना और निशुल्क रूप से रक्तदान करवाना। हमारे डोनर जितने भी आते हैं सब यहाँ पे निशुल्क रूप से रक्तदान करके जाते हैं और किसी से चाय के दागिलदार भी नहीं रहते हैं, वो फ्री में अपना ब्लड देके जाते हैं। भैया आपको सूचना कैसे मिली कि बेच रहा है? हाँ बेच रहा, बता रहा हूँ। परसों के दिन फैजान भाई ने एक डोनर पहुँचाया जो कि सोनकच्छ से आया डोनेशन करने के लिए। यहाँ पर आया डोनेशन करके चला गया। यहाँ से जाने के बाद में वो घर पहुँच गया और जो अटेंडर है यहाँ पर जिसको उनसे इनने 500 रुपये मांगे। अच्छा, फिर अटेंडर ने बोला भैया मेरे पास अभी नहीं है, मैं आपकी व्यवस्था करता हूँ या कुछ बहाना बना के टाला उस टाइम पे। उनने फिर फैजान भाई को फोन लगाया। फैजान भाई आगे बताओ क्या बताया उसने। मेरे पास अटेंडर का फोन आया कि भाई मेरे पास मेरी बीवी बीमार है और मेरी जेब में अभी 500 ही रुपये हैं और 500 रुपये के बाद मैं एक टाइम का खाना भी नहीं खा रहा हूँ, बिस्किट खा के मेरा दिन निकाल रहा हूँ कि न जाने मेरी औरत को कब जरूरत पड़ जाए इसके लिए। और ये भाई उनसे 500 रुपये मांग रहे थे, इसके लिए मैंने बड़े भाई से चर्चा करी और फिर इनको अभी रंगे हाथों पकड़ा यहाँ पे 500 रुपये उसके हाथ में देके और अभी पकड़ा। आप कौन से सर? मैंने उसी दिन मांगे थे उससे, उसी दिन बोला था बस, उसके बाद मैंने बोला ही नहीं उसको, कभी नहीं बोला उसने मेरे को पैसे थे। कितने तो मैंने पहले 500 रुपये का बोला था, मैंने खुद ने बोला कितने, आपको कितने बोला था कि पैसे लेके ब्लड दो आप? नहीं मेरे को किसी ने नहीं। फिर अभी अभी आपने नाम बता दो सचिन को नहीं है मेरे से, और इसके साथ में आपके साथ में कौन है? नहीं अकेला हूँ सर। कितने दिन से कर रहे हैं ये? मैंने अभी तक किसी को कुछ दिन किया सर, मैंने किसी से बोला था, इसके अलावा किसी को नहीं बोला। भैया मैं जितेंद्र पटेल नितिन संस्था देवाज दर्शन से हूँ, भाई फैजान जी हैं रिलीफ फाउंडेशन से हैं। हमारी टीम का उद्देश्य निःशुल्क रूप से सेवा करना, किसी की मदद करना। हमें सूचना मिली थी कि जिला अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड द्वारा जो हम डोनर पहुँचाते हैं डोनेशन के बाद अटेंडर से पैसे लिख के डिमांड की जा रही है। इसकी सूचना मिलने पर हमने सोचा कि यार पहले तो हमें कंफर्मेशन नहीं था, बाद में जब आज खुद अटेंडर ने हमें फ़ोन लगाया कि भैया इन्होंने मुझसे पैसे मांगे हैं आपने जो डोनर पहुँचाए थे उसके, तो हमने इसका स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची। भैया स्टिंग ऑपरेशन में हमने सर्वप्रथम अटेंडर को 500 रुपये दिए और उससे हमने बोला कि जिसने इधर से पैसे मांगे थे ये पैसे दे उसको जाके। हमने सचिन पटेल करके यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है जिला अस्पताल में, उसको 500 रुपये दिए जिसके हमने बकायदा वीडियो वगैरह बनाई हुई है, उसकी वीडियो बनाते हुए उस पैसे देते हुए उसकी वीडियो बनाई है।
उसकी सूचना पे हम कितनी बार डोनेशन करने पहले भी भेज देते थे, उसका मैसेज इस प्रकार से आता था क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को अटेंडर की स्थिति मालूम रहती है कि कैसा अटेंडर है, तो हम उसकी बात पे विश्वास भी कर लेते थे। उसका मैसेज ऐसा आता था, भैया बहुत गरीब है, कोई है नहीं साथ में यार, उनकी व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ब्लड की कमी है उसको, तो हम उसको भेज देते थे। आज हमें मालूम पड़ा कि इस प्रकार का काम करता है, व्यक्ति तो अपने शरीर से ब्लड निकाल के निःशुल्क रूप से दे रहा है और इस प्रकार कार्य करते हैं, तो कम से कम जो जिम्मेदार हैं यहाँ पर जिला का चिकित्सालय उनको इससे और संज्ञान देना चाहिए। जी, विषम नामक पेशेंट है यहाँ पर जिसकी वाइफ की डिलीवरी है, उन्होंने सूचना करी बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी उसके वहाँ, और अभी भी उसके वहाँ रिक्वायरमेंट थी, उसके व्यवस्था के लिए नहीं हम आए थे यहाँ। तो पैसा माहिती है ना, हम तो क्या पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए परेशान कर रहे हैं। तो फिर अभी आपने किसको बुलाया, कौन सी संस्था को बुलाया? तो भाई साहब को बुलाया जो ब्लड देते हैं। हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा था, मुझे इस वीडियो की कॉपी डाली गई है किसी व्यक्ति द्वारा, और ऐसा कहा गया है कि किसी ब्लड डोनेशन कैंप वालों ने किसी ने ब्लड डोनेट किया होगा, उसके लिए कोई कर्मचारी वहाँ पर उनसे पैसे मांग रहा है किसी को ब्लड दिलाने के लिए। जब मैंने इसकी बस की आरएमओ से पता की है, तो आरएमओ द्वारा मुझे बताया गया, सर ये कर्मचारी पूर्व में हमारे यहाँ का कर्मचारी था, एक सुरक्षा कर्मचारी था जिसको कि निकाल दिया गया है। वह सुरक्षाकर्मी अपने स्वयं के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था, तो इस तरह से किसी को जिसको ब्लड की आवश्यकता होगी वो उनके संपर्क में आया होगा और उसने कहा मैं तुमको ब्लड दिलवा देता हूँ। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया तो मैंने पूछा, अगर इस तरह का कर्मचारी अपने सुरक्षा एजेंसी के द्वारा रखा गया है तो उसको तत्काल हटाएं, लेकिन आरएमओ के द्वारा बताया गया उसको ऑलरेडी हटाया जा चुका है, वो अब हमारा स्वास्थ्य कर्मचारी या अपने सिक्योरिटी एजेंसी का व्यक्ति नहीं, वो ऐसा गलत कह रहा है। जो हमारे हमें जो जानकारी दी गई है आरएमओ द्वारा, उसको सिक्योरिटी गार्ड से हटा दिया गया है, जिला चिकित्सा पूर्व में ही हटा दिया गया। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।